तो अभी हम स्टार्ट परफॉर्म करेंगे बायोरो टेस्ट। बायोरो टेस्ट में आपके पास एक प्रोटीन का सैंपल होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होना चाहिए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन अगर है तो आपके जो सैंपल का कलर है वो पर्पलिश वायलेट कलर है। तो ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ करते हैं, अल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करने के लिए, और कॉपर सल्फेट जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाता है माइट ग्रुप के जो प्रोटीन के साथ होते हैं, तो पर्पलिश वायलेट कलर आता है। तो अब हम परफॉर्म करते हैं, तो हम ml हमने लिया इसका प्रोटीन का सॉल्यूशन, 2 ml हम ले लेंगे अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड ताकि अल्कलाइन मीडिया पे चला जाए सॉल्यूशन, और 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के। तो ये देखें, ये पर्पलिश वायलेट कलर आ जाएगा आफ्टर मिक्सिंग। तो ये क्या है, प्रोटीन सैंपल के अंदर मौजूद है। क्या है, प्रोटीन सैंपल के अंदर मौजूद है। अब हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम निम्न हाइड्रेन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें हम माइनोसिड का, ये माइनोसिड के लिए होता है, तो माइनोसिड का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, 1 से 2 ml के लिए, और इसमें 1 से 2 ड्राप डाल लेंगे इसके निम्न हाइड्रेन। तो ये 0.1% भी आप ले सकते हैं, 0.1% भी ले सकते हैं। तो इसको हीट करेंगे तो ये ब्लू कलर आ जाएगा। माइनोसिड के लिए ये क्या होगा, ब्लू कलर आ जाएगा। इसमें होता क्या है, जो माइनोसिड है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन और डीएमाइनेशन होती है, ठीक है, और हाइड्रेन डेटन और अमोनिया बनता है। हाइड्रेन डेटन और अमोनिया जो है फिर निम्न हाइड्रेन से मिलते हैं और ये ब्लू कलर कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये देखें, ये ब्लू कलर कम्प्लेक्स बन गया, तो ये निम्न हाइड्रेन, ठीक है, स्टार।